चलो न्यू चैप्टर। हाँ चैप्टर नंबर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 5 है। हाँ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्या? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो शुरुआत बड़े ही बेसिक क्वेश्चन के साथ करते हैं कि स्क्वायर माने क्या। इट इज अ टू डायमेंशनल शेप विच हैज। स्क्वायर मतलब क्या? इसी को स्क्वायर कहते हैं ना, इसको स्क्वायर नहीं कहते। हाँ तो वही तो मैंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर। इट इज अ टू डायमेंशनल शेप, दो डायमेंशन वाला शेप है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, एल इंटू एल। याद है ना? तो एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें याद है? साइड स्क्वायर याद है ना? पर वो स्क्वायर यही स्क्वायर है, वो यहीं से डिराइव हुआ है, इसलिए तो मैंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर। तो स्क्वायर इज अ टू डायमेंशनल शेप विच हैज टू आइडेंटिकल साइड्स। यहाँ पे भी एल हो, यहाँ पे भी एल हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम एल स्क्वायर निकालते थे, याद है? अगर इसी चीज का इस्तेमाल किया जाए और मैं यहाँ पे एल की जगह पे 1 ले लूँ, क्या एल की जगह पे 1 सेंटीमीटर ले लूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 2 सेंटीमीटर ले लो तो एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से 3 सेंटीमीटर ले लो तो नहीं। मतलब स्क्वायर माने किसी भी चीज को उसी नंबर के साथ 2 बार रिपीट करना। हाँ या ना? और पावर और एक्सपोनेंट में तुम समझ भी गए हो कि इसको पावर 2 बोलते हैं। अभी पावर 2 को स्क्वायर क्यों बोलते थे ये चीज अब तुम्हें क्लियर हो गई, राइट? वो निकली कहाँ से? ठीक है, तो पावर 2, हाँ क्यूब भी इससे निकलता है। क्यूब सॉलिड शेप, क्यूब तीनों साइड इक्वल हो तो 2 पावर 2 पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8। तो उसका वॉल्यूम हम ऐसे निकालते हैं। अब समझ में आ गया? तो स्क्वायर कैसे निकला समझ में आ गया? अभी हम स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर के लक्षण जानने के लिए हमें सारे स्क्वायर आना जरूरी है, और तुम लोग तो स्क्वायर किंग हो ही, ठीक है? तो मुझे 1 से 20 के स्क्वायर लिखवाते जाओ। हाँ ऊपर आराम से, हाँ मैं लिख रहा हूँ इसलिए। 1 स्क्वायर इज 1, एक एक करके बोलो ना, 1 2 3 4 वैसे बोलते जाओ। 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 1 to 1, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज क्या? 256। इसको उल्टा कर देना है बस। 196। हाँ चलो, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 16 स्क्वायर क्या हो गया ये स्क्वायर और क्विक को? 30 तक याद थे, 1 से 10 के क्यूब याद थे। 16, चलो करके बताओ फटाफट। नहीं 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 मैं नहीं बोलने वाला, मैं तब तक आगे लिख लेता हूँ। तुम्हें आता है? ठीक है तुम बोल दो। चलो करो। 18 स्क्वायर, रुको, नहीं नहीं पहले इसका बताओ, 16 का 16 का 16 का हाँ एक्स्ट्रा पेन हो तो फेंक दो।
16 square is सिक्सटीन स्क्वायर जल्दी करो सिक्सटीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन नहीं आता बोलो क्या दिन आ गए टू फाइव सिक्स चलो सेवनटीन स्क्वायर टू एट नाइन एटीन स्क्वायर थ्री नहीं थ्री टू फोर थ्री टू फोर नाइनटीन स्क्वायर करो चलो करो हाँ तो बताओ नहीं चलो करो जल्दी करो 19 का स्क्वायर काहे के किंग तुम लोग भिखारी जैसे हालत होगी किंग को छोड़ो थ्री सिक्स वन ट्वेंटी स्क्वायर फोर हंड्रेड अभी सारे स्क्वायर हमने लिख लिए एक्चुअली 30 तक लिखने चाहिए पर 20 तक लिखते हैं चलेगा नहीं 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 तुम लोग तो बाद में गिनती में ही पूरा लेक्चर निकालो ठीक है चलो अभी मैंने सारे स्क्वायर्स लिख लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करें कोई पैटर्न है जो ऑब्जर्व कर सकते हो हिंट देता हूँ यूनिट प्लेस को फोकस करिए यूनिट प्लेस को फोकस करिए अच्छा मैं एक काम करता हूँ सारे यूनिट प्लेस देखता हूँ और जो आ गए हैं ना उसको मैं इसमें से कैंसिल आउट कर देता हूँ मैंने 0 से 9 तक के सारे डिजिट लिख लिए तो देखो 1 आ गया तो 1 को मैं कट कर देता हूँ 4 आ गया 4 को मैं कट कर देता हूँ जो आ जा रहे हैं उसको मैं कट कर देता हूँ 9 आ गया क्या 9 को मैं कट कर देता हूँ 6 कहाँ है ये आ गया फिर 5 फिर 6 कट गया 9 कट गया 4 कट गया 1 कट गया 0 कट गया फिर 1 कट गया 4 कट गया 9 कट गया 6 कट गया 5 कट गया 6 कट गया 9 कट गया 4 कट गया 1 कट गया 0 कट गया कौन से नहीं कट रहे तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 नहीं हो सकता किसी भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 नहीं हो सकता इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे तू तेरी सास को अठन्नी दे तू तेरी सास को अठन्नी दे अठन्नी दे तो तू यानी कि 2 तेरी यानी कि 3
सास यानी कि सात और अठन्नी यानी कि आठ। तो एक चीज हमेशा याद रखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो तो ऐसे ही, किसी भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 572, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। उसी तरीके से 333, तो किसी भी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इजी, इतना लिख लो, हाँ सारे 30 तक के लिख लो, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। चलो एक और ऑब्जर्वेशन साथ में हम ले लेते हैं ताकि, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ना ज्यादातर चीजें ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही है, तो अपनी नजर और दिमाग दोनों खुले रखना। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना तुम्हें इस चैप्टर में मजा आता जाएगा, जितना ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे उतना ये हेडेक लगेगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन तो हमने कर दिया कि तू तेरी सास को अठन्नी दे, 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में नहीं आता। अभी और एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप करो। कौन सा? वन के बाद नहीं 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 नहीं, वैसा ऑब्जर्वेशन नहीं। क्या अभी देखो यूनिट प्लेस देखो, एक इसके पीछे भी एक आ रहा है और इसके पीछे भी एक आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 स्क्वायर और 9 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है? उसी तरीके से यहाँ पे देखो, दो और आठ दोनों का यूनिट प्लेस 4 होगा, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे देखो, 3 और 7 दोनों का यूनिट प्लेस देखो 9 है, यहाँ पे दोनों का यूनिट प्लेस देखो 4 है, यहाँ पे दोनों का यूनिट प्लेस देखो 1 है, फिर यहाँ पे देखो 6 है, फिर यहाँ पे अकेला बेचारा 5 है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो, दोनों के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 4 आएगा। तो अभी मान लो मैं आपको रेंडमली एक नंबर दे देता हूँ 786, इसका स्क्वायर करना है तो आप इसका यूनिट प्लेस मुझे बता सकते हो? यूनिट प्लेस 6 square is 36, तो इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। चलो 741, अगर इसका मैं स्क्वायर करूं तो इसका यूनिट प्लेस बता सकता हूं? हाँ, 1 square is 1। चलो 787, इसका वेरी नाइस। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसका यूनिट स्क्वायर, यूनिट प्लेस का स्क्वायर ही उस बड़े नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा? इसी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो। देखो 11 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर दोनों एक पे ही खत्म हो रहे हैं, देखो है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे 1 square is 1 और 9 square is also 1। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, हाँ कोई भी नंबर ले लो आप, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, उसमें यही पैटर्न फॉलो होगी। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? ऑब्जर्वेशन क्लियर? पक्का? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ डिजाइन बना लो तुमने जो लिखा है उसमें। चलो कुछ ट्राई दिस के एक्सरसाइज है, हम और तुम मिलके करते हैं। सबसे पहला ये है, विच कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे विच विल भी नहीं लिखा, विच कैन बी हो सकता है, हाँ विच विल भी मतलब होगा ही, विच कैन बी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटी दी है, तो हमें पता है कि तू तेरी सास को अठन्नी दे अगर पीछे आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अदरवाइज हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ क्या यस ये हो सकता है क्या? नो, इट कांट। ये वाला नो, ये वाला नो, ये वाला नो,
ये वाला इट यस इट कैन बी होगा ही ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम पर हो सकता है यस इट कैन बी ठीक है ये यस इट कैन बी फिर हाँ चलो ये हो गया अभी दूसरा ट्राई दिस विच वुड एंड विद डिजिट जीरो इसमें से किसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस वन होगा अच्छा पहले इसका बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा नौ होगा इसका भी नौ होगा इसका भी फोर इसका वन होगा तो ये एक है फिर इसका भी वन होगा तो ये भी है तो इन सारे नंबरों में से दो नंबर का यूनिट प्लेस एक से ख़त्म होगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं क्या बोलो बोलो लास्ट के दो हाँ लास्ट के दो मैंने एक बोला फिर भी लास्ट के दो ही हाँ ऑब्जर्वेशन अच्छा है देखा चलो विच डिजिट हैज सिक्स एट इट्स यूनिट प्लेस कौन से डिजिट का यूनिट प्लेस छः आएगा चलो इसका बताओ नौ का एक आएगा राइट चार का छः आएगा मतलब ये है पूछ रहे हैं किसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस छः आएगा किसका स्क्वायर का राइट ठीक है सिक्स का स्क्वायर ये भी है फिर यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर 36 ये भी है फोर का स्क्वायर 16 तो ये भी है तो पहला नहीं है बाकी सारे हैं ठीक है चलो नेक्स्ट व्हाट विल बी वंस डिजिट अगर हम इन सभी का स्क्वायर रूट निकाले तो किसका वंस डिजिट क्या होगा उल्टा जाना है हाँ रूट्स जाना है तो देखो चार है तो इसका क्या क्या हो सकता है किसके पीछे चार आता है एक तो दो और आठ उसमें भी दो आठ ही आएगा चेक करो हाँ तो इसका यूनिट प्लेस हो सकता है दो और आठ ये नो, नो। ये तो है ही नहीं तू तेरी सास को अठन्नी दे राइट ये तू तेरी सास को अठन्नी नहीं है अच्छा ये जीरो जीरो और दस नहीं नहीं होगा क्यों नहीं होगा कभी भी ऑड जीरोस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते कभी भी ऑड जीरोस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते मतलब ऑड जीरोस मतलब यहाँ पे देखो कितने जीरोस हैं तो ऑड जीरो हुआ या नहीं अगर दो जीरो हो तो हो सकता है चार जीरो हो तो हो सकता है छः जीरो हो हाँ अगर डबल जीरो होता ना तो हो सकता था ट्रिपल जीरो होता तो चार जीरो होता तो पांच जीरो होता तो कभी भी ऑड जीरोस परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बना सकते जैसे कि दस नहीं बनाएगा पर सौ तो ये नो ऑड जीरोस ऑड जीरोस चलो नेक्स्ट ये तू तेरी सास को अठन्नी दे ये तो इसका क्या हो सकता है छ है किसके पीछे छ आता है फोर और सिक्स तो इसका फोर हो सकता है या तो छः हो सकता है स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस अब चीज़ें क्लियर पक्का लिख लो और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं ठीक है लिखो लिखो लिखना पड़ेगा लिखने से ये तो मेमोरी में जाएगा